तो आज बच्चों की तरफ से समोसा पार्टी हुई, दो ही समोसे खाने के लिए मिले मुझे, और ये अपने लिए खुद के लिए नहीं लेकर आए हो। वैसे भी समोसे इन्होंने लाके नहीं दिए थे मुझे, किसी और ने लाके दिए थे। लेकिन चटनी तो हमने लाके दी थी ना सर को। चटनी इन्होंने लाके नहीं दी, झूठ बोल रहे हो। चटनी भी जूनियर स्टूडेंट लाके दी थी। तो ये देखो होनहार बच्चे हैं। सांप को दिखा दो सर। ओ ज्यादा कहाँ गए? सांप बहुत पीछे। पप्पू आज मुलाकात करने का टाइम मिल ही गया इनसे। बहुत अनोखे बच्चे हैं और ये कुछ कहना चाहेंगे? हरामी भी होते हैं। हाँ भाई कैसे? देखो मजाक छोड़ो, एक तमीज़ की बात करते हैं। ये बताएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे जो हैं ये इनके सेशनल मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ये बताएंगे कि किस तरह से एक टॉपर को अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। तो तुम्हें से कौन कहना चाहेगा भाई? ये देखो पाकिस्तान के प्लेयर नवाज, जो भी था उनका, उनके डुप्लीकेट मेरे साथ है। क्या नाम है भाई आपका? रियाज अली। रियाज अली। और पाकिस्तान का वो प्लेयर कौन है? नसीम अहमद। देखो छोटा नसीम अहमद, लेकिन ये पढ़ाई में एक्सपर्ट है, वो बॉलिंग में। हाँ भाई कोई कुछ कहना चाहेगा? अरे पूछा था भाई स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए अपनी पढ़ाई पर, और ऑनलाइन का कम से कम इस्तेमाल करके ऑफलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन से बच्चा नोटिफिकेशन देख के कहीं और भागने की कोशिश करे यार। कहाँ वो भागने की कोशिश कर रहा है? आप तो समझदार ये सर का चेहरा। मैंने पहले कहा था बहुत बड़े हरामी बच्चे हैं ये, लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करता हूँ। देखो ऑनलाइन में ये, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ये सोचोगे कि आप भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, लेकिन ये है कि हम लोग मेडिकल सोलो कराते हैं। ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, और ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप IAS भी क्वालिफाई कर दोगे, वरना हो सकता है आप किसी और इंडस्ट्री में जाकर कमाल करें, मतलब अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा ये फायदा है कि आप जिंदगी भर पढ़ोगे ना तो कंटेंट खत्म नहीं हो सकता। हाँ उम्र बहुत ज्यादा कंटेंट अलावा है, ओवरऑल कंटेंट इतना कंटेंट है, आप कई साल लगातार पढ़ेंगे ना 12-12 घंटे 20-20 घंटे भी देंगे तो ऑनलाइन कंटेंट खत्म नहीं होगा। ऑफलाइन से अच्छा है तो ऑनलाइन अगर पढ़ने वाला हो तो। ये सही कह रहे हैं, कंटेंट खत्म नहीं होगा और आपको आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल कंटेंट मिल जाएगा तो ऑनलाइन। क्या कर रहे हो?